श्री राम को वनवास जाना पड़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी भाइयों को जय श्री राम और हैप्पी दिवाली। सब भाई खुश रहे और बस दिल से और अच्छे से मनाओ आज का दिन, जैसे भी आप मनाना चाहते हो, जैसे भी आप दिल खोल के जो भी करना चाहते हो आज आस्था के साथ सब कुछ कर सकते हो और आस्था रख सकते हो अपने भगवान में, अपने प्रिय जिसको भी आप मानते हो उनमें। और सबको फिर एक बार जय श्री राम और हैप्पी दिवाली। अब बात करते हैं हनी पाजी की। हनी पाजी ने जैसे ही स्टोरी हटाई, हनी पाजी ने यहाँ पर जय श्री राम वाली स्टोरी लगाई थी, अयोध्या वाली, जो अभी सबने लगा रखी है, सब एक्टर ने, सिंगर्स ने, सभी लगा रहे हैं ज़्यादातर, तो हनी पाजी ने भी लगाई थी। लेकिन हनी पाजी ने 2 घंटे बाद वो डिलीट कर दी। जैसे हनी पाजी ने उसको डिलीट किया, लोगों ने हनी पाजी को आड़े आठ लेना शुरू कर दिया, कॉन्ट्रोवर्सियली चीजें करना शुरू कर दिया कि भाई क्यों डिलीट किया। अरे यार, हर चीज का कुछ ना कुछ रीजन होता है, हो सकता है कुछ और रीजन हो इसलिए की हो डिलीट। अब इसको आप इन चीजों से नहीं जोड़ सकते ना यार, नेगेटिव पॉइंट में नहीं जोड़ सकते, ये तो कोई तुक बना ही नहीं। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, हनी पाजी को यह चीज जताने की जरूरत नहीं है कोई कितने कट्टर है इन चीजों को लेकर। हनी पाजी की आप इंस्टाग्राम आईडी पर जाओ, आपको भोलेनाथ की बहुत सारी पोस्टें दिखाई देगी, हनी पाजी मंदिर वाली पोस्टें दिखाई देगी। वो बार बार इंटरव्यू में बोलते भी हैं, राम जी के लिए उन्होंने बोला है इंटरव्यू में, बहुत बार बोला है कि वो भोलेनाथ के सबसे बड़े भक्त हैं, उनको बहुत मानते हैं वो तो ये चीज़ वो खुद बोलते हैं यार, बार बार बोलते हैं। लेकिन अब आप इतनी सी छोटी सी बात को लेकर जब छोटी सी बात का पतंगड़ बना रहे हो तो फिर आप बनाते ही रहो उस चीज़ को, आप फिर यार उसका तो कोई जवाब ही नहीं है यार, ये गलत चीज़ है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। जो भाई भी ये चीज़ कर रहा है मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया का कुछ अलग ही चोचलापन चलता है, बबलू कच्चा वाला चोचलापन, सूसरे पता नहीं करते क्या है यार, करते क्या है। छोटे से देखिए, पाकिस्तान और भारत में मकबूल पंजाबी सिंगर योयो हनी सिंह भी पाकिस्तानी निकल आए। पहली बार इंटरव्यू में जिंदगी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठा दिया। तो गाइस आपने छोटी क्लिप देखी, अब ये बंदे हनी पाजी को पाकिस्तानी ही घोषित कर दिया। हनी पाजी ने ये बोला था कि भाई वो पाकिस्तानी श्रोताओं को पसंद करते हैं, वहाँ के लोगों को पसंद करते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं। कुछ उन्होंने रिलेटिव भी चीजें बताई थी कि मेरे दादा कर कुछ ऐसे थे वहाँ पे, तो यार उन्होंने पाकिस्तानी ही घोषित कर दिया कि ये बंदा है वो है, बहुत सारे आर्टिस्ट है यार, यार यार हद होती है यार, पाकिस्तानी मीडिया की भी हद होती है। मैं मानता हूँ इंडियन मीडिया भी आजकल इधर उधर हो रहा है, बट पाकिस्तानी मीडिया का तो भाई काम ही बिल्कुल समझ से बाहर है। अब एक और मैं आपको बात कर लेता हूँ, देखो यार स्पोर्ट्स गड्डियां यहाँ पर हनी पाजी और लियो ग्रेवाल के एक सॉन्ग आया था, अब उसका वीडियो कौन नहीं चाहेगा यार, वो सॉन्ग ऑडियो में इतना परफेक्ट चला था, लोगों को इतना पसंद आया था। हनी पाजी का कमबैक वाला सीन उन गानों से दिखाई दिया था, जैसे कांट फाइंड आया था यहाँ पर लियो के साथ, यहाँ पर स्पोर्ट्स गड्डियां, दोनों गानों ने यहाँ पर फाड़ के रखते। यहाँ पर लियो ग्रेवाल ने आज यहाँ पर इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्टें डाली है, स्पोर्ट्स टाइप की पोस्टें डाली है। जैसे ही पोस्टें डाली तो कुछ भाई तो ये बोलने लग गया कि भाई कहीं वीडियो शूट तो नहीं हो रहा हनी पाजी के साथ, स्पोर्ट्स गड्डिया का वीडियो तो नहीं आ रहा। लेकिन कमेंट सेक्शन जाकर देखोगे तो कमेंट सेक्शन में आपको एक ही क्वेश्चन भरा भरा मिलेगा कि भाई लाओ स्पोर्ट्स गड्डिया का वीडियो, लाओ मैं भी चाहता हूँ, लाओ साला मैं खुद चाहता हूँ स्पोर्ट्स गड्डिया का वीडियो आना चाहिए भाई। तो ये चीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी, तो शायद ये बातें यहाँ पर लियो तक पहुंचेगी, हनी पाजी तक पहुंचेगी, और हो सकता है कुछ चल रहा हो अंदर ही अंदर हाइड में तो वो बात अलग है। नहीं चल रहा हो तो भाई करो यार कमेंट भरो यहाँ पर, हनी पाजी तक बात पहुंचाओ और लियो तक भी पहुंचाओ कि भाई इसका वीडियो आना चाहिए यार, कब आएगा। लियो ने बोला तो था आएगा, बट कब आएगा यार वो भी तो देखो, लेके आओ भाई, इतना वेट मत कराओ यार। स्पोर्ट्स गड्डिया माई फेवरेट सॉन्ग में से एक सॉन्ग है। बाकी यार जो भी चीजें चल रही है वो मैंने आपको बता दी है यार, उन कॉन्ट्रोवर्सियल चीजों को आप मतलब बीच में मत डालो। और जाते जाते एक बार फ्री एक और चीज में बोलना चाहूंगा, आप सबको हैप्पी दिवाली एंड जय श्री राम, खुश रहिए एंड मस्त रहिए। मेरे धर्म में किसी को भी हेट करना नहीं सिखाते हैं, किसी के लिए बुरा सोचना नहीं सिखाते हैं, सबकी रेस्पेक्ट करना सिखाते हैं, इंसानियत को समझना सिखाते हैं और बस प्यार बांटना सिखाते हैं। तो लव यू जय हिंद एंड जय भारत।